क्या लगता है तेरे को जीतेगा? जी जी देगा 160 के आसपास था। अगर टोल पर नहीं आता ना, मेरे से आगे निकल जाता वो। मैंने प्रॉपर गियर शिफ्टिंग किया फिर भी स्टार्टिंग में बताऊं तो भाई आगे निकल गई थी। अगर आप देखोगे तो 160 के बाद भाई जीटी खा रही है नींदा, सीरियसली खा रही है भाई। भाई ये बंदे के साथ रेस है मेरी GT 650 साला 650 cc है ये। ट्राई करता ट्राई कैसे, क्या लगता है तेरे को जीतेगा? जी जी GT है, बहुत पावरफुल है नो डाउट। चलो ठीक है भाई, अभी हम आपको ट्रैक रेस करके बताते हैं कि कौन सा बाइक जीतता है। और भाई अगर क्या रिजल्ट, मैं फिर भी बोलूंगा भाई ड्रैग रेस वगैरह ट्राई करना, पूरे गियर्स डाल के करना और कोई भी ऐसे बेफालतू काम मत करना भाई, तेज चलाने के चक्कर में भाई तो भाई अभी हम GT 650 और रेंजर 300 की ड्राइव कर रहे हैं, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अरे वाह, ट्रैफिक आया यार, थोड़ा देखना पड़ेगा यार यहाँ पे हमें ना, थोड़ा यू टर्न लेना पड़ेगा। अरे GT 500 आगे निकलने वाली थी, मुझे लग रहा है नीचे में थोड़ा सा इसका गियर वगैरह सीन हो जाएगा, बाद में पूछेंगे इससे, पर भाई ये निकल गई थी आगे GT। तो लोग बार फिर से टच करते हैं, जाना है एंचो GT में भाई। अबे सारे आगे निकल गई है, आगे निकल गई है भाई, रात हो रही है यार, हमें जल्दी ये फिनिश करना पड़ेगा रेस। चलो एक बार फिर से करते हैं ड्रैग रेस, थोड़ा लंबा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमें रिजल्ट थोड़ा लास्ट तक पता चलेगा। करो स्टार्ट, आ गया, अदर ला आया। तीन बारी बहुत ट्रैफिक है, ट्रैफिक के कारण हमें बहुत दिक्कत हो रही है अभी सर, थोड़ा लेट हो गया अभी हमें यहाँ पे। Thank you.
बैंचो ट्रैफिक बहुत आ रहा यार, पर पावर बड़ी यार उसकी, बाइक बहुत पावर है बैंचो, बहुत ज्यादा पावर है। जो ये लेन में लगा रहे थे ना रेस भाई, वहाँ 160 के आसपास था। अगर आगे टोल पर नहीं आता ना, मेरे से आगे निकल जाता वो। मैंने प्रॉपर गियर शिफ्टिंग किया फिर भी, हालांकि उसका नीचे जब वो इनिशियली स्टार्ट हुआ था ना, उसका थोड़ा गियर का सीन हो गया था, फिर भी सब आगे निकलने लगा था। बहुत पावर है यार उसे। चलो बात करते उससे। भाई 160-170 के बाद ही खा देगी निंजा को आराम से, सीरियसली। मजा आया भाई बहुत, थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा था थोड़ा, और अर्ली मॉर्निंग आते तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। हुआ क्या, रुक क्यों गया था, क्या हुआ? अरे रिकॉर्डिंग होना बंद हो गया यार। हाँ रिकॉर्डिंग तुम्हारी बंद होगी ना। मैं अभी पीछे यही बोल रहा था कि फ़ोन का बहुत सीन है, पर लोग करते हैं रिकॉर्डिंग फ़ोन में भी, बोले सेफ नहीं है। लेकिन सेफ नहीं है और नहीं कि जो नहीं ले सकते GoPro वो कर, कई लोग करते हैं, पर सीन पता क्या यार, जो मेन चीज़ जो राइड है वो निकलने वाला था फ़ोन, वही GoPro पे, वो GoPro पे शूट होता है। अगर तुम मतलब कोई भी कंटेंट शूट करने वाले हो, इसमें बहुत दिक्कत होती है भाई। ये तो बताओ कि ड्रैग रेस वगैरह कैसी रही GT? GT की परफॉर्मेंस और निंजा की? मैं बताता हूँ ये स्टार्टिंग, अगर मैं बताऊँगा आपको भाई, जानकारी भी दे रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में बताऊँ तो भाई आगे निकल रही थी। अगर आप देखोगे तो 162 के बाद भाई GT खा रही है निंजा को, सीरियसली खा रही है भाई। पर वो टॉप एंड में जाएगी ना, जैसे निंजा 190 तक, 195 तक जाएगी, पर वो 180 भी रुक जाएगी। हो सकता है कि जैसे इसका टॉप स्पीड 185-190 तक चला जाता है। कौन सा? एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं निंजा का मेरे को बताने में भाई कोई शर्म नहीं आता। मैं अगर निंजा का टेस्टी भी कर रहा हूँ तो क्योंकि जो सच है वो सच है, क्योंकि इसका अभी तक कई लोग बोलते हैं 185 स्पीड है, कई लोग नहीं भाई मैंने 191 लगाई, वही मैं बोलने लगा। इसका थोड़ा ना मीटर का भी सीन है, मीटर में आप बग बोल सकते हो या कुछ ही बोल सकते हो भाई, इसमें थोड़ा बहुत है। जैसे मेरा, मैंने चलाया था बाइक तो मेरा भाई 187 के बाद नहीं जा रहा था, मैं नाइस रोड पे था, मैंने फुल थ्रोटल दिया हुआ था, लास्ट गियर में था मेरा, 187 का गया नहीं, और अखिल ने 192 भी टच किया हुआ। तो भाई इसका थोड़ा मीटर का भी सीन है, मीटर का सीन है, टायर का सीन है, और वोबलिंग का सीन है, वो तो मैंने बताया आपको। तो भाई सीरियसली अगर मैंने जो अभी फेस किया 162 के बाद, तो भाई आगे निकल यार पता क्या निंजा का ये सीन है, अगर तुम स्टार्टिंग से इससे पहले हमने जो BMW का हमने शूट किया था, उससे उसका सीन ये था कि वो भी थोड़ा वोबल करती है लास्ट में जाके, उसका अगर उस कंपैरिजन तो देखा जाए तो उसका भी नहीं, क्योंकि वो सिंगल सिलेंडर है, तो हमारा ट्विन सिलेंडर है, ये भी ट्विन सिलेंडर है, उसका कंपैरिजन तो है नहीं हमारे साथ, पर फिर भी वो ठीक है यार डेली के लिए, अगर डेली यूज़ करना तो ठीक है। उसका कंपैरिजन भाई पावर की बात ही नहीं करता, पर उसकी बाइक राइड और सिटी के लिए तो मुझे तो अच्छी लगी। वो तो हाईवे भी ठीक है, ओवरऑल अच्छा था एक्सपीरियंस। थोड़ा लेट हो गए, रात हो गया, थोड़ा शूट करने में लेट हो गया, थोड़ा वे हम माउंट खरीद रहे, चिन माउंट खरीद रहे थे, साला मेरा टूट गया हुआ था, वो खरीदने गए तो साला थोड़ा टाइम लग गया, बाकी ठीक है यार सही लगा। और अगर आपको बताऊं तो भाई जहाँ तक हमने फेस किया ये 160 के बाद आगे निकल गई थी निंजा के, पर अगर निंजा का अगर हम देखें 185-190 तक जाता है, तो मे बी उससे थोड़ा सा आगे जाके निंजा आगे निकल जाए, तो पता नहीं है। बाकी आपको पता ही होगा, इतना नॉलेज यार खुद को भी होता है कि कौन सा बाइक आगे जाएगा कौन सा नहीं। और देखा जाए कंपैरिजन की बात करें तो भाई कंपैरिजन तो दोनों बाइकों का है ही नहीं है, वो नेकड बाइक है, ये स्पोर्ट्स बाइक है, तो हाँ क्या फिर इस तरह बोलेंगे ड्राइव से सारा कुछ यार, गियर डाल के राइड करो भाई, कुछ भी हो सकता है। अभी हम पीछे आए थे जब मैंने बाइक स्लो किया था, वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो रखा था, वो मैंने एक्सीडेंट देख के स्लो कर लिया था भाई, कि भाई पता नहीं क्या सीन हो, तो पहले स्लो चलाओ ना, अब मैं देख लो 100 के ऊपर नहीं जा रहा था। तो जब BMW चलाया था तो हम भी 160 के ऊपर गए थे सारे, ठीक है तेज चलाओ यार, पर गियर्स डालो, क्योंकि अगर होना तो गियर्स के बिना भी हो जाएगा, कुछ ऐसे भी हो जाएगा भैया इससे। और एक राइडर हमारा थोड़ा बीमार पड़ गया, जो आपको पता जिसका हमने पिछला फ्लॉग बनाया था पीटा का, वो थोड़ा बीमार पड़ गया बंदा, वो सही है दिल का साफ बंदा वो, ठीक है उसका अभी हम उसके साथ लगाएंगे रेस। अभी मैं घर जा रहा हूँ थोड़ा, उसके बाद आके हम एक बार ड्रैग रेस करेंगे, पिछली बार भी मैं बनाने वाला था पर सीन हो गया थोड़ा सा, बाइक बंद हो गया था उसका, तो जिसके कारण मैं जो नीचे अप्रीला वालों ने बहुत नीचे कमेंट किए थे, ठीक है
पर आने के बाद ना ड्रैग रेस उसके साथ चलाएंगे। और भाई एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यार, हम फेब में बाइक लेंगे, फेब या जून में एक और बाइक लेंगे, मैं भी लूँगा और अक्की भी लेगा, तो देखते हैं उस बाइक के साथ एक्सपीरियंस क्या रहता है हमारा, चेक करेंगे। और हम नेक्स्ट ड्रैग रेस जो करेंगे भाई वो प्रीला के साथ करेंगे, और भाई देखना मत भूलना वो वाली, पर जितने भी हमने ब्लॉग डाले हैं भाई अभी तक, अगर लाइक शेयर कमेंट किया, कमेंट तो भाई वैसे भी बहुत लोग कर देते हैं, सही कमेंट करो, और देखेंगे भाई आगे जो भी है ठीक है, और आगे हम ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग बनाते रहेंगे आगे हम। और रही बात हमने लॉन्ग ट्रिप की, तो हम थोड़ा गोवा का प्लान कर रहे हैं, वो फेब के बाद कर रहे हैं, देखेंगे बाद में क्या बनता क्या नहीं बनता। पर अभी नेक्स्ट ब्लॉग जब बनाएंगे वो तो यार हम अप्रीला के साथ बनाएंगे, क्योंकि अप्रीला के साथ हमारा बहुत कंटेंट है अभी जो शूट करने वाला है, वो देखेंगे, हम जेन्युइनली व्यू देंगे भाई। अगर किसी की तिलस्त किया तो भाई तिलस्त ही रहे, हमारा कोई सीन नहीं है। अगर ड्रैग रेस का आपको बताऊँ तो भाई इसके साथ इसका कोई मुकाबला है नहीं, क्योंकि अप्रीला का थोड़ा इनिशियल पावर ज़्यादा है, वो 600 तक बीट कर देती है ईजिली बाइक को किसी की, हमारा वो 300 है। ठीक है यार, अभी हमने जो ब्लॉग बनाया हमने देख लिया, जो भी अपने कमेंट है, जो भी आप जेन्युइन रिव्यू देना जो भी है, तो चलो अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट कमेंट करके जरूर बताना। अगर तू भी आया, इधर आओ, ये बंदा हमारा स्टार, ये बंदे का मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, नहीं नहीं इधर आओ, तुम भी इधर आओ, ये बंदे का मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये बंदा अभी यूट्यूब चैनल ओपन करने वाला भाई, ये पता नहीं क्या करेंगे, ये जल्दी करेगा, ये पता नहीं क्या साला रहा, इस स्टेशन छुपाया पता नहीं क्या इकट्ठा कर रहा है ये बंदा यूट्यूब चैनल बनाने वाला भाई, सबको प्यार दो यार, क्योंकि ब्लॉग बनाते हैं यार हम आपके लिए बनाते हैं यार, ठीक है, तो नया नई बाइक आएगी फिर बोले हाँ, तो फिर भी यार जैसे भी जो भी है जैन कमेंट दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो, चलो भाई ठीक है।